दिल्ली एनसीआर पर मौसम मेहरबान हो रहा है। बीते दिन बुधवार को झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि जगह जगह जलभराव के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच कई इलाकों में पानी भरने से जाम के कारण सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बता दें, बारिश के चलते तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलना लाजमी था। हाली अपडेट में मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। बता दें, आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और बारिश का ये सिलसिला वीकेंड तक जारी रहेगा। गुरुवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे। सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश भी हुई। साथ ही बता दें कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विभाग ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा कल यानी 9 अगस्त शुक्रवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 10 से 12 अगस्त को दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 13 अगस्त को भी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का जोर रहेगा। उसके बाद 15 अगस्त के दिन भी हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको ये जानकारी भी देते हैं, इस हफ्ते दिल्ली का तापमान कैसा रहेगा हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। बता दें कि 10 से 12 अगस्त तक मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में अंतर बता देते हैं। आईएमडी ये अलर्ट किस सिचुएशन में जारी करता है हम आपको ये भी समझा देते हैं। मौसम विभाग येलो अलर्ट चेतावनी के रूप में जारी करता है। इस अलर्ट का मेन मकसद लोगों को सतर्क करना होता है, लिहाजा अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही मौसम से जुड़ी जानकारी भी लेते रहना चाहिए। वहीं मौसम के खराब हो जाने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको घर से बाहर देख कर निकलना चाहिए। किसी बहुत जरूरी काम के चलते ही घर से बाहर निकले, वहीं जरूरत ना होने पर बाहर जाना अवॉइड करें। ऑरेंज अलर्ट के दौरान सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होती है। रेड अलर्ट तब जारी होता है जब मौसम ज्यादा खराब होने से नुकसान की संभावना होती है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारी बारिश, तूफान, बादल फटने की स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। साथ ही इसका मतलब होता है कि लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उन्हें उस सिचुएशन से निपटने के लिए सावधानी बरतने के साथ ही तैयार भी रहना चाहिए। मॉनसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, हालांकि ये किसी आफत से कम नहीं। दरअसल जल भराव से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको स्क्रीन पर बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के वीडियो दिखा रहे हैं। ये बीते दिन बुधवार को हुई बारिश के बाद का हाल है। बारिश के बाद पानी भरने से मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। साथ ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए भी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। हालांकि बता दें, ये हाल केवल नोएडा का ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भी यही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पानी भरने से खराब ड्रेनेज की पोल खुल गई है। इससे बस्ती में रहने वाले लोगों को भी आफत झेलनी पड़ रही है। लोकल 18 के लिए नोएडा से योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।